ड्रिंक बनाते हैं विच इज द वाटरमेलन ड्रिंक, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं तो ये फ्रूट बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है सभी के लिए एंड आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच. तो इतना अगर टेस्टी ड्रिंक बनाना हो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए हमें. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए हैं और ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए स्पेशली डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ऑल्सो ये बहुत ही नेचुरल बॉडी हाइड्रेंट है बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट 70-80% वाटर कंटेंट होता है. सो लेट्स गेट अहेड, आई विल टेल यू कि क्या क्या चाहिए हमें बनाने के लिए. ऑब्वियसली द फ्रूट वाटरमेलन, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ अ पीस क्योंकि मैं अपने लिए और फैमिली सभी के लिए यूज बनाऊंगी अभी, एंड लेमन जूस. शुगर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ लेकिन आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं. मैं थोड़ा सा ही शुगर ले रही हूँ विच इज़ 1 टीस्पून एंड ब्लैक सॉल्ट विच इज अ स्मॉल स्पून, ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून लेंगे तो काफ़ी रहेगी. एंड ब्लैक पेपर विच इज़ जस्ट 2 पिंचेस ऑफ ब्लैक पेपर वी कैन फाइंड इन हाफ अ फ्रूट. वाटरमेलन जूस प्रिपरेशन के लिए अगर बात करें तो मिंट लीव्स का फ्लेवर और अच्छा है. एंड ऑब्वियसली अगर आपको लेमन जूस डालना चाहिए तो अलग से काट के रखना पड़ता है, अलग लगा कि हमें डालना चाहिए तो हम कर सकते हैं. सो लेट्स गेट अहेड. या तो आप एक बड़ी छलनी में से इसको छान लीजिए या फिर एज इट इज सर्व कर सकते हैं. मुझे पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ इसको एज इट इज ही सर्व करना क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट इंटैक्ट रहता है फूड का. हर एक फूड का फाइबर कंटेंट डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है तो मैं इसको इसी फॉर्म में सर्व कर रहा हूँ. सर्व करने के लिए मैंने one of the most
को खाना नहीं है तो इसमें बीच बीच में फाइबर टेक्सचर भी है. सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग. इसको सर्व करते टाइम आप कुछ मिंट ईस्ट ऊपर से भी डाल सकते हैं इसके, ताकि जो फ्रेशनेस होती है वो और थोड़ी इन्हांस हो जाती है अगर आप कुछ मिंट ईस्ट ऊपर से डाल दें तो. एंड किसी को भी अगर ये ड्रिंक सर्व करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे. एंड अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो मुझे ज़रूर शेयर करके बताइए आप. अगर आपको ये इजी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट रेडी होती है और बहुत ही टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस भी होती है. So friends, just go ahead, try it yourself. अगर आपके पास आइसक्रीम्स हैं आप इसमें डाल सकते हैं.